इन दिनों सियासी गलियारों में ऑपरेशन लोटस के बाद ऑपरेशन हस्त की चर्चा हो रही है। दरअसल सियासी गलियारों में चर्चा है कि कांग्रेस ने ऑपरेशन हस्त शुरू किया है, जिसके तहत वह विपक्षी दलों में सेंधमारी कर रही है। कर्नाटक में बीते दिनों से इसकी खूब चर्चा हो रही है। इसकी बड़ी वजह यह है कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने सोमवार को दावा किया कि आने वाले दिनों में बीजेपी और जेडीएस के कई विधायक, नेता और कार्यकर्ता कांग्रेस में शामिल होंगे। हालांकि उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस ऑपरेशन हस्त में शामिल नहीं है। वही मुख्यमंत्री बदलने के सवाल पर सिद्धरमैया ने कहा कि यह पार्टी आलाकमान ही तय करेगा कि 2.5 साल बाद मुख्यमंत्री बदला जाएगा या नहीं। मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने कहा कि मौजूदा विधायकों, पूर्व विधायकों, नेताओं और कार्यकर्ताओं सहित भाजपा और जेडीएस के कई लोग कांग्रेस में आ रहे हैं। राज्य में सत्तारूढ़ पार्टी ने उन पर किसी भी प्रकार का दबाव नहीं बनाया है। ऑपरेशन हस्त चलाने का कोई सवाल ही नहीं है। जो भी पार्टी में आएगा हम उसे शामिल करेंगे। कोई हस्त नहीं, कोई ऑपरेशन नहीं। जो कोई भी हमारी पार्टी की विचारधारा और नेतृत्व को स्वीकार करते हुए पार्टी में आएगा, चाहे वह भाजपा से हो या जेडीएस से हो, क्या हम उन्हें ना कह सकते हैं? ऑपरेशन हस्त सत्तारूढ़ पार्टी को और मजबूत करने और सरकार की स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए विपक्षी विधायकों को अपने पाले में लाने की कांग्रेस का प्रयास बताया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इसे बीजेपी के ऑपरेशन लोटस के जवाब में शुरू किया गया है। वहीं सीएम सिद्धरमैया ने हाल ही में अपने कैबिनेट सहयोगियों के साथ नाश्ते पर हुई बैठक के बारे में भी बातचीत की। उन्होंने कहा कि जिला प्रभारी मंत्रियों और विधायकों को अपने अपने क्षेत्रों में कांग्रेस उम्मीदवार की जीत सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। अगले साल होने वाले संसदीय चुनाव से पहले या उसके बाद राज्य के मुख्यमंत्री बदलने को लेकर बीजेपी के नेताओं ने तमाम टिप्पणी की थी। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए सिद्धरमैया ने कहा कि वो हमारी पार्टी के मामले पर टिप्पणी क्यों कर रहे हैं, हमारे पास निर्णय लेने के लिए आलाकमान है। पिछले हफ्ते सिद्धरमैया ने कहा था कि वह पूरे 5 साल के लिए मुख्यमंत्री बने रहेंगे। उनकी यह बात कांग्रेस के कुछ लोगों को पसंद नहीं आई और पार्टी के कई विधायकों व मंत्रियों ने इस बारे में टिप्पणी की। बाद में सिद्धरमैया ने कहा था कि आलाकमान जो भी फैसला लेगा वह उसका पालन करेंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।